लास्ट वी हैव डन केस थ्री एंड वी कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 9B. ओके, लेट्स प्रोसीड विथ केस फोर, द लास्ट केस चिल्ड्रन. दैट इज, अब आपका सोर्स बुक तो पासबुक है चिल्ड्रन, बट नाउ इंस्टेड ऑफ बैलेंस क्वेश्चन आपको क्या लिख के देगा? ओडी. सो द वैल्यू ऑफ ओडी चिल्ड्रन वुड बी रिटन इन द माइनस बैलेंस कॉलम, सॉरी माइनस आइटम कॉलम. सो लेट्स एनालाइज दिस चिल्ड्रन एंड देयर आफ्टर वी रिकॉर्ड इट इन द स्टेटमेंट एंड देन कंटिन्यू. इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस एज एट 31st डिसंबर 2018. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट सेज व्हाट चिल्ड्रन? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट. पासबुक में डेबिट बैलेंस मीन्स व्हाट? ओवरड्राफ्ट और बैलेंस? ओवरड्राफ्ट. वेरी गुड, चलिए एक्सलेंट. जो ध्यान देंगे वही सही जवाब देंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन वील बी पुटिंग हेयर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. यू कैन इवन राइट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड द वैल्यू इज 5155. देयर आफ्टर वी हैव ट्रांजेक्शन टिल पॉइंट के चिल्ड्रन, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के. सो आई टोल्ड एवरीबडी टू पुट द पर्टिकुलर कॉलम इन द प्रीवियस क्लास, फिल कर लेंगे. तो एक एक करके बच्चों एनालाइज करते हैं, देन वील अंडरस्टैंड कि हम किसे प्लस मार्क करेंगे और किसे माइनस. ओके, तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड में वील मेंशन अ रिप्रेजेंटेशन, लेटर पी रिप्रेजेंटिंग पासबुक, और राइट हैंड में मेंशन करेंगे चिल्ड्रन लेटर सी रिप्रेजेंटिंग कैश बुक. इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई चिल्ड्रन? इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई? Yes. Checks issued but not presented. Which book does it appear in children? Cash book. Cash book में किस side पे appear होगा? Withdrawal side. Cash book balance will go down. Please be attentive. Passbook is the source book now. How passbook will go to cash book children? Minus. Got it? Children बात समझ में आ गई? Three checks 500, 1000, 1500 issued to supplier. 1000 वाला जनवरी में कैश हुआ चिल्ड्रन, कॉज ऑफ मिसमैच किसका है? वेरी गुड. व्हिच बुक डज इट अपीयर इन? डिपॉजिट और विड्रॉल? विड्रॉल, बिकॉज इशू किया है. कैश बुक बैलेंस मस्ट हैव गॉन अप और डाउन? डाउन. पासबुक ऊपर है, व्हाट टू डू? माइनस. सिंपल एज दैट चिल्ड्रन. डायरेक्ट पेमेंट, समबडी डिपॉजिटेड मनी इन योर बैंक अकाउंट चिल्ड्रन एंड यू हैड नो आइडिया अबाउट दिस. Which book does it appear in? Side deposit. Passbook balance will go up. Source book passbook है children. What to do? बड़ा तेज चेक रहे हैं लोग. चलिए लगता है हल्दीराम की दाल मोट खा गया है आज. Check issued to bank. We have sorry sent to bank, but bank वाले पैसा लेकर नहीं आए. It's a deposit activity or a withdrawal activity? Deposit. Which book does deposit, it? Sir. Very good. Cash book balance will go up. Passbook नीचे, what to do? समझ गए? 3800 deposit किया children, 1600 वाला January में हुआ clear. Cause of mismatch क्या होगा? Which book does it appear in? Cash book which side? Cash book balance will go up. Passbook नीचे, what to do? Plus 1600. Customer ने directly bank में money deposit कर दिया children. Which book does it appear in? I hope so, I'm not fast. Passbook में deposit side पे है. Passbook balance will go up. Passbook is the source book. Cash book नीचे, what to do? Minus. Receipt side of cash book overcast. ये तो भाई n number of times I've been explaining. Don't take risk. Always prepare the statement children. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि आपने 10,000 रुपीज का बैलेंस नोट किया, 4,000 रुपी वॉज द एक्चुअल वैल्यू, बट बाय मिस्टेक यू रोट हाउ मच? 4,500. ओवरकास्टिंग दिखा दी. 10 + 4 इज व्हाट चिल्ड्रन? वेरी गुड. बट आपने 4,500 लिख दिया तो बैलेंस कितना आएगा चिल्ड्रन? 14,500. सो कैश बुक बैलेंस हैज गॉन अप. पासबुक नीचे, व्हाट टू डू?
प्लस कर देंगे। समझ में आई बात? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे व्हाट टू डू, प्लस कर देंगे। पेमेंट साइड चिल्ड्रन 1800 लिखना था बट आपने कितना लिख दिया, चिल्ड्रन 1800 लिखना था बट वी रोट हाउ मच, 1000। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो चिल्ड्रन इन कैश बुक वी अज्यूम दैट वी हैव अ बैलेंस ऑफ 10,000। क्रेडिट साइड पे अगर आप 1800 लिखते चिल्ड्रन, व्हाट वुड हैव बीन योर कैरेट डाउन? 10,000 माइनस 1800 इज व्हाट, 8,200। बट बाय मिस्टेक यू रोट ओनली 1,000। नाउ व्हाट विल बी योर बैलेंस? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर पेमेंट अंडर कास्ट हुआ तो बैलेंस विल इंक्रीज, कैश बुक गोज अप, पासबुक नीचे व्हाट टू डू, प्लस। Understood everybody these two identities? Then children, bank interest credited 150, bank ne interest diya hai humko. Which book does it appear in? Passbook. Which side? Deposit. Passbook balance will increase, cash book niche what to do? Minus. And children, bank ne humse charges liye hain 50 rupees. Which book does it appear in? Which side? Withdrawal. Passbook must have gone down. Cashbook ऊपर है, क्या करेंगे? Plus. Sundry incomes received. आपको इनकम मिली है चिल्ड्रन. Which book does it appear? Passbook. Cashbook. अब cashbook नीचे what to do? Minus. सर ये क्वेश्चन तो ओडी का था, बार बार क्यों बैलेंस बोल रहे हैं? ट्रिक वही चलती है चिल्ड्रन. ऑटोमेटिकली आपने ओपनिंग स्टेटमेंट का वैल्यू जब माइनस में लिख दिया, अपने आप चीजें रिवर्स हो जाती हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ओके, क्विकली अपडेट दिस चिल्ड्रन, क्विकली. तो लेट्स मार्कअप द वैल्यूज चिल्ड्रन, प्लस माइनस सबने लिख लिया होगा अब तक. लेट्स मार्कअप द वैल्यूज इन द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. चिल्ड्रन कंटेंट बी वॉज प्लस आइटम और माइनस आइटम? माइनस आइटम. हाउ मच? 1000. चलिए कंटेंट सी क्या था? माइनस. हाउ मच? 1000. कंटेंट डी क्या था? हाउ मच? 750. कंटेंट ई चिल्ड्रन हाउ मच? 250. देयर आफ्टर कंटेंट एफ वॉज 1600 प्लस और उसके बाद 1000 माइनस. देन कंटेंट एच, सॉरी जी था 1000, ये तो हो गया. एच वॉज 500 प्लस देन 800 प्लस चिल्ड्रन, 500 एंड 800 प्लस. देयर आफ्टर चिल्ड्रन 150 माइनस में और 50 प्लस में, तो आप सो कॉल्ड एक साथ ही लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 150 माइनस में एंड 50 प्लस में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जस्ट होल्ड ऑन. व्हाट्स द यूज, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कॉलम्स तो अलग अलग हैं. एंड सन्ड्री इनकम्स 1500 माइनस. सो लेट्स सी फाइनल आंसर आपका क्या आएगा चिल्ड्रन. मेरे को तो माइनस टोटल ज्यादा नजर आ रहा है, तो आंसर आपका नेगेटिव ही रहेगा. यू विल बी कॉलिंग इट स्टिल एज व्हाट चिल्ड्रन? As per cash book, and then we'll put the total children. So let's get down with the calculations. It's 5155 plus 1000 plus 1000 plus 750 plus 1000 plus 150 plus 1500. So children, here the total lands up to 10,000555. And plus item may it was 250, 1600, 800, 500 and 50 children. So ye aayega 3200 minus 10,555. It's children 7355. And total is 10,555. People understood the phenomena of OD children? ओडी का फिनोमेना समझ में आ गया, कैसे अकाउंट फॉर करना है? Yes. सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आप ओडी की वैल्यू माइनस कॉलम में लिख देंगे. क्विकली अपडेट दिस, देन वी प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 11 चिल्ड्रन.
मैंने पर्टिकुलर कॉलम अपडेट करने को बोला था. लेट्स कंटिन्यू कि विच ऑफ द आइटम्स वुड बी एडेड एंड विच ऑफ द आइटम्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड. सो इट सेज की प्रिपेयर बीआरएस पासबुक शोड ओडी ऑफ 5000 इन माइनस कॉलम और प्लस कॉलम. चिल्ड्रन इन माइनस कॉलम वील पुट 5000 एंड लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शन ए ऑनवर्ड्स आप इसे प्लस माइनस कैसे करेंगे. सबको नजर आ रहा है? चलिए. सो कैश बुक रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट एज आई हैव बीन टेलिंग ऑलवेज इसको ड्रॉ करके ही करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा. बट कुछ अव्वल दर्जे के झक्की हैं, जाहिल हैं, गवार हैं. जब मैं बोल रहा हूँ कि ड्रॉ कर करेंगे तभी नशाए पड़े ऐसे ऐसे. अरे मैं एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ. रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हो गई चिल्ड्रन. 3000 रुपीज लिखना था आपको बट बाय मिस्टेक वी रोट 5. वॉट इज 10 प्लस 3 चिल्ड्रन? 13000. वेरी गुड. बट आपका आंसर 5 लिखने की बजाय क्या गया चिल्ड्रन? 15000. सो चिल्ड्रन जब आपका रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट किया आपका बैलेंस भी कैशबुक ऊपर चली गई पासबुक नीचे. व्हाट टू डू? प्लस कर देंगे आप. समझ में आई बात? एज पर बैंक एडवाइस रिसीव्ड बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट किया चिल्ड्रन. विच बुक डज इट अपियर इन? पासबुक. डिपॉजिट और विड्रॉल? विड्रॉल. बैंक ने पेमेंट किया पासबुक बैलेंस हैज गॉन डाउन. पासबुक नीचे कैशबुक ऊपर. व्हाट टू डू? प्लस कर देंगे. कस्टमर ने डिपॉजिट किया पैसा कैशबुक की पेमेंट साइट पे चला गया. बड़ा मजेदार ट्रांजैक्शन है. बहुत मजा आने वाली है इसमें. बहुत ही धमाकेदार ट्रांजैक्शन है चिल्ड्रन. कैशबुक एंड पासबुक एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम स्टैंड्स एट इक्वल पोजीशंस. करेक्ट. कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड द मनी चिल्ड्रन. गॉट इट क्लियर? विच बुक इट मस्ट बी अपीयरिंग? पासबुक. एंड बैलेंस मस्ट हैव गॉन अप. पासबुक ऊपर चली गई. करेक्ट. बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन है. बाय व्हाट अमाउंट? एंड इन कैशबुक चिल्ड्रन आपने कहां पे रिकॉर्ड कर लिया? पेमेंट साइट. तो आपकी कैशबुक बढ़ेगी घटी? कैशबुक चिल्ड्रन नीचे चली गई. बाय व्हाट एक्सटेंट? 2000. अब शायद आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे. पिंकी आंटी को स्पेशली मैंने बुला लिया यहां पे. कितने का मिसमैच है चिल्ड्रन? 4000. फिजिक्स में पढ़ा था ना बिलो द सी लेवल अबव द सी लेवल. लोगों ने सोचा हमको तो कॉमर्स लेना है हमारे लिए तो बकवास है. आपने जो सोचा था एक्चुअली वो बकवास था. तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है. सो चिल्ड्रन मिसमैच कितने का होगा? 4000 का. तो कैशबुक नीचे चली गई पासबुक ऊपर चली गई. अब पासबुक कैशबुक तक आने के लिए कितना एफर्ट करेगी? माइनस तो होगा बट हाउ मच? माइनस 4000. समझ में आया? पासबुक शोड अननोन क्रेडिट. पता नहीं कहां से पैसा आ गया बट आ गया. विच बुक डज इट अपियर इन? पासबुक. विच साइट? पासबुक का बैलेंस. कैशबुक नीचे है. व्हाट टू डू? व्हाट टू डू? माइनस. क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर अपियर इन पासबुक. कहीं से हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं. विच बुक डज इट अपियर इन चिल्ड्रन? विच साइट? पासबुक बैलेंस मस्ट हैव गॉन अप. कैशबुक नीचे. व्हाट टू डू? सिंपल. चेक डिपॉजिट किया बैंक में. बैंक वाले बड़े नालायक टाइप के हैं. पैसा लेके ही नहीं आए बेसबुक. विच बुक डज इट अपियर इन? बैंक वाले पैसा ही नहीं लाए. कैशबुक. विच साइड? कैशबुक बैलेंस मस्ट हैव गॉन. पासबुक नीचे है. व्हाट टू डू? सिंपल एज दैट. सन्ड्री इनकम रिसीव्ड बाय बैंक. बैंक ने कहीं से इनकम रिसीव की. वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक. विच बुक डज इट अपियर इन? विच साइड? पासबुक बैलेंस विल. कैशबुक नीचे. व्हाट टू डू? अच्छा बच्चों अगर सोर्स बुक कैशबुक होती तो क्या करते? तब प्लस कर देते. अनप्रेजेंटेड चेक. आपने किसी को चेक दिए बट दोस पीपल डिडंट गो टू द बैंक टू टेक द मनी. व्हिच बुक आर दीज अपीयरिंग इन? व्हिच साइड? कैशबुक बैलेंस विल गो डाउन. पासबुक ऊपर है. व्हाट टू डू? सिंपल एज दैट. समझ में आई बात चलन? एंड ये बिल वाले को चेक मान लीजिए चलन. Giving you 2 minutes time, complete the remaining 3 very quickly. Out of checks worth 12,000 sent to bank, passbook showed 7 after date. मतलब next month. आपने 12,000 के चेक इस महीने बैंक में भेज दिए.
नेक्स्ट मंथ बैंक कलेक्टेड 7, तो मिसमैचेस ऑफ 7,000, 12,000, 5,000, 19,000 और कांट से, और कांट से ये नहीं बता पाएंगे कि बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे 7,000. Which book does it appear in children? Cash book. Check deposit किया था आपने. Deposit side or withdrawal side? Cash book balance must have gone. अब passbook नीचे what to do? Simple as that. 7,000 रुपी plus. Bill की जगह check मानिए नहीं तो हमेशा गड़बड़ी करेंगे. 2,000 रुपी का check आपने bank में दिया. Bank gave you how much children? तो your cash book went up by 2,000, whereas passbook went up by 1,800. So cash book goes up by 2,000, passbook goes up by 1,800. Which book is more up? Which book is down? What to do? Plus how much children? Very good. It's not at all difficult children. अगर आपने cash book का homework किया है तो interest bank ने collect किया हमारे behalf पे children. Paid by the bank. Bank ने हमको दिया है. कहीं से कलेक्ट करके कैश बुक में देयर इज नो एंट्री. व्हिच बुक डज इट अपीयर व्हिच साइड? पासबुक बैलेंस मस्ट हैव गॉन. कैश बुक इज डाउन. व्हाट टू डू? आई होप सो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज अ डिबेंचर. लाइक यू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ कंपनीज, यू बिकम द ओनर. व्हेन यू गिव लोन टू द कंपनी, यू बिकम अ लोनर. ओके, तो दैट लोन इज नेम्ड एज डिबेंचर. द सर्टिफिकेट इज डिबेंचर सर्टिफिकेट एंड द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इज कॉल्ड एज अ डिबेंचर होल्डर. शेयर और डिबेंचर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, शेयर में द इनकम इज नॉट फिक्स्ड. कंपनी को प्रॉफिट हो, दे मे गिव यू डिविडेंड, दे मे शो यू ठेंगा, बट डिबेंचर पे प्रॉफिट हो चाहे ना हो कंपनी को, इंटरेस्ट तो बाउंड टू एग्जिस्ट, दे हैव टू पे यू, दे कैन नॉट डिनाई. इररिस्पेक्टिव आप असेट बेचिए कुछ करिए, इंटरेस्ट यू हैव टू कंपल्सरली पे टू अस. हर्ड वेल चिल्ड्रन? पक्का? चलो आगे, चलिए लेट्स कंटिन्यू. एनी क्वेरीज? जो लोन देते हैं वही डिबेंचर होता है बेसिकली. व्हाट इट क्लियर? कंपनी आपसे लोन ले रही है, 100 रुपए का सर्टिफिकेट एक दे दिया, तो दैट इज अ डिबेंचर. डेट फंड बोले, डिबेंचर बोले, सब एक ही चीज होता है. ओके, चलिए चलन डन दिस पच. लेट्स फिल अप द कंपोजिशन. लेट्स फिल अप चिल्ड्रन. सबसे पहले कितने का हमारे पास माइनस बैलेंस था बच्चों? 5,000. फिर ए से लेकर के तक के ट्रांजैक्शन है, ठीक है? चलिए पहले इसको फेयर आउट कर लेते हैं. ए पार्ट एंड बी पार्ट, इट वाज प्लस चिल्ड्रन 2,000 एंड 1,500. सी पार्ट वाज व्हाट? माइनस 4,000. डी पार्ट? माइनस 2,000. एफ ई पार्ट? माइनस 3,000. एफ पार्ट? प्लस 1,000. G part? Minus 1,500. H part? Minus 9,000. I part? Plus 7,000. And J part? Plus 200. And then K part? Minus 800. That's it. So children, ye to asaan hai. 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 24. 25,300 is the total. माइनस एक्सीड्स और प्लस एक्सीड्स? माइनस 2,000, 3,000, 4,000, 11,700. सो 25,300 चिल्ड्रन माइनस 11,700, इट्स 13,600 शॉर्ट. बीइंग अ नेगेटिव वैल्यू, वी विल राइट ओडी एज पर कैश बुक. आई होप सो लोग कंटेंट लिख लेंगे पर्टिकुलर्स में. चलिए क्विकली moving ahead children, this was question number. I don't think so, my English is so bad that you are unable to understand what I speak. This was question number 11. Chaliye, next we'll proceed to question number children 12a. So 12a mein children aapko transaction A to N nazar aa raha hai, aapne so called complete kiya hoga isko. पर्टिकुलर कॉलम में कंटेंट लिखकर वील बी डूइंग वॉट इज कॉल्ड एज प्लस माइनस एक्टिविटी. रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चलिए आई विल रिकनेक्ट एंड देन स्टार्ट.